रिचमन एंटरटेनमेंट के माध्यम से फीलिंग्स म्यूजिक एल्बम का अंधेरी के द क्लब में उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मराठी सिनेमा के लोकप्रिय कलाकार सचिन पिलगांवकर और लेखक विश्वास पाटिल इन्हीं के हाथों इस म्यूजिक एल्बम का उद्घाटन हुआ। इस एल्बम के निर्माते अभिषेक विचारे हैं और संगीतकार विलास खौत है। इस एल्बम में जाने माने 12 गायक और सिनेमा कलाकारों ने गाने गाए हैं। इस एल्बम में 12 संगीतों का समूह है। इस एल्बम में श्रेया घोषाल, स्वप्निल बांदोड़कर, बेला शिंदे, आदर्श शिंदे ऐसे संगीतकारों के आवाज़ नए अंदाज में सुनने मिलेंगे। साथ ही मराठी सिनेमा के जाने माने कलाकार महेश मांजरेकर, सचिन खेड़ेकर, जितेंद्र जोशी, अवधूत गुप्ते, संतोष जुवेकर, प्रिया बापट, स्प्रुआ जोशी, साथ ही सोनाली कुलकर्णी इन सभी कलाकारों के मधुर स्वर सुनने मिलेंगे। वैलेंटाइन डे के अवसर पर फीलिंग्स म्यूजिक एल्बम के संगीत को प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए जानते हैं फीलिंग्स म्यूजिक के बारे में संगीतकारों का और कलाकारों का क्या कहना है। आज का जो फंक्शन है फीलिंग्स, जिसके लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ, ये एक एल्बम है जिसमें 12 गानों का ये एक समूह है। और मुझे जो गाना मिला है वो रोमांटिक स्टाइल का गाना है। इसमें और अलग अलग स्टाइल्स के गाने हैं, 12 अलग अलग फीलिंग्स के गाने हैं। तो मैंने जो गाना गाया है वो रोमांटिक है और मैं जाना जाता हूँ इंडस्ट्री में रोमांटिक गाने गाने के लिए। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मुझे ये गाना मिला। इसका म्यूज़िक बहुत ही रोमांटिक है, बहुत मेलोडियस है। किरण खोत जी ने ये गाना कंपोज किया है और आजीवसन साउंड्स में अवधूत वाडकर ने इसे रिकॉर्ड किया। और 12 फीलिंग्स का ये जो एल्बम है उसका पहला गाना आज यहाँ रिलीज़ होने जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस मौके पे आप सभी यहाँ पे उपस्थित हो और इस चीज़ को कवर कर रहे हो। तो फीलिंग्स की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। वैलेंटाइन आ रहा है तो इसके मद्देनजर आपने ये गाना चुना, क्या कारण था? मतलब इट्स अ लव सॉन्ग। मैंने ये गाना नहीं चुना है, ये गाना मुझे दिया गया था। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं जाना जाता हूँ रोमांटिक गाने गाने के लिए। मैंने काफ़ी रोमांटिक गाने गाए हुए हैं इससे पहले। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये गाना मिला और ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही रोमांटिक गाना है, बहुत मेलोडियस ट्यून है। तो आई एम रियली वेटिंग, ईगरली वेटिंग फॉर दिस रिलीज। थैंक यू सो मच। सर, गाने के बोल जरा अगर आप बता दें किस तरह के गाने के बोल और गा के बता दें तो। मैं एक्चुअली ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया ऑलमोस्ट एक साल पहले, तो मुझे गाना ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका जो कैच लाइन है वो गाता हूँ। क्षण तो आठव तो पहिल्या भेटीचा, क्षण तो आठव तो पहिल्या भेटीचा। रिचमंड एंटरटेनमेंटच्या वतीनं आज फिलिंग्स नावाचा अल्बम रिलीज होतो आहे। 12 दिग्गज गायकांनी आणि कलाकारांनी परफॉर्म केलेला आहे। माझे मित्र अभिषेक विचारे यांनी निर्मित केलेला हा अल्बम आहे। किरण खोतनी असं म्युझिक केलं आहे। सो एक वेगवेगळ्या मूडवरती त्यांनी ही गाणी बनवली। डेफिनेटली ही गाणी सगळ्या रसिक प्रेक्षकांना आवडतील आणि त्याच्यासाठी आज हा सोहळा त्यांनी आयोजित केला आहे। त्या सोहळ्याला आम्ही सगळेजण उपस्थित आहोत। रिचमंड एंटरटेनमेंटच्या वतीनं हे जे पाऊल आहे त्याला निश्चितच रसिक प्रेक्षक दाद देतील आणि हा अल्बम निश्चित लोकांना आवडेल याची मला खात्री आहे। रिचमंड एंटरटेनमेंटला माझ्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। वैलेंटाइन डे जो होता है वो वैलेंटाइन डे हा खरं तर एक दिवस साजरा करून भागत नाही, 365 दिवस आपण एकमेकांवरती प्रेम करत असतो। पण जगात सगळीकडे 14 फेब्रुवारीला वॅलेंटाईन डे साजरा होतो, तर त्या वॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने हा अल्बमसुद्धा सगळ्यांना एक महत्त्वाची वॅलेंटाईन डेचं स्पेशल गिफ्ट असणार आहे। सो सगळ्यांना वॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने ही अनोखी भेट जी रिचमंड एंटरटेनमेंट दिली आहे ती निश्चितच आवडेल। ये रिचमंड एंटरटेनमेंट का अल्बम है फीलिंग्स नाम का, अभिषेक विचारे इन्होंने निर्माण किया हुआ और किरण खोत इसके म्यूज़िक डायरेक्टर है। 12 सिंगर्स ने परफॉर्म किया है, इसके साथ फिल्म एक्टर्स ने भी परफॉर्म किया है। सारे दोस्त है और उनको शुभकामनाएं देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वैलेंटाइन डे के दिन ही बहुत ही नज़दीक है वैलेंटाइन डे, तो वैलेंटाइन डे के लिए ये जो फीलिंग्स नाम का अल्बम है वो बहुत ही बड़ा स्पेशल गिफ्ट होगा। और ये रिचमंड एंटरटेनमेंट का फीलिंग्स एल्बम के लिए मेरे बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।
स्वप्निल बांदोड़कर है, श्रेया जी है, आदर्श शिंदे है, अवधूत गुप्ते है, काफ़ी मराठी एक्टर्स ने परफॉर्म किया है, संतोष जुवेकर है, उसके बाद प्रिया बापट है, जितेंद्र जोशी है, तो काफ़ी लोग इसको पसंद करेंगे। थैंक यू।